नमस्कार, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी। सामाजिक समरसता के वाहक हैं रमेश, सेवा ही मेरे जीवन की प्राथमिकता, यह बात कहना है रमेश सिंह का। हजारों परिवार में राशन का वितरण किया मुखिया पति रमेश सिंह ने। जीरादेई भाजपा नेता सह सेवतापुर पंचायत के मुखिया पिंकी देवी के पति रमेश कुमार सिंह ने गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक विधानसभा क्षेत्र में हजारों निहायत जरूरतमंदों के बीच राशन सामग्री, साबुन व मास्क का वितरण करते आ रहे हैं। शनिवार को विजयपुर गांव में भी राशन वितरण किया गया। रमेश कुमार सिंह ने बताया कि सेवा ही मेरे जीवन की प्राथमिकता है, जिसका निर्वाहन कर मुझे काफ़ी खुशी व आत्मीय सुख की अनुभूति होती है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से पैदा महामारी व लॉकडाउन में दैनिक मजदूर भाई बहनों के जीवन यापन में काफ़ी कठिनाई महसूस हो रहा है। ऐसे परिस्थिति में यथासंभव राशन सामग्री मुहैया कराने का भरपूर प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि बाहर से आए हुए बारातियों व ऑर्केस्ट्रा में काम कर रहे कलाकारों को भी राशन दिया जा रहा है। भाजपा नेता सह समाजसेवी रमेश कुमार उर्फ पिंटू सिंह के परम सहयोगी दरोगा कुशवाहा ने बताया कि अभी तक 3,000 परिवारों को राशन मुहैया कराया जा चुका है तथा अनवरत जारी भी है। पंचशील के सचिव कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि सेवा की भावना सामाजिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति व जनप्रतिनिधियों में अधिकतम भरी रहती है, जिसका अक्षरशः उदाहरण सेवतापुर पंचायत के मुखिया पति सह भाजपा नेता रमेश कुमार सिंह जी हैं, जो सामाजिक समरसता के वाहक हैं तथा इस विश्वव्यापी महामारी में तन मन व धन से निहायत जरूरतमंदों की सेवा में जुट आहार की व्यवस्था करा रहे हैं, जो ईश्वर सेवा का फल प्राप्त कराता है। इस मौके पर प्रमोद शर्मा, राजेश बैठा, दीपू कुमार सिंह, विवेक कुमार सिंह, अनुराग श्रीवास्तव, पवन सिंह, शिवम कुमार राजा आदि उपस्थित थे। मुखिया जी, आपके द्वारा मैरवा प्रखंड क्षेत्र और जीरादेई विधानसभा के अंतर्गत तमाम गांवों में घूम घूम कर लोगों के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनमें आप खास सामग्रियों का वितरण कर रहे हैं, उसी के दौरान आप विजयपुर में आप वितरण कर रहे हैं, इसके संदर्भ में आप बताइए। देखिए, हमको अपने मित्रों से, साथी संबंधियों से अगर यह ज्ञात होता है कि किसी भी पंचायत में, जीरादेई या सिवान में कहीं भी कि किसी भी आदमी को ज़रूरत है, तो मैं उसको अपने मित्रों से सूचना मिलने के बाद उनको हम रात सामग्री पहुंचाते हैं। और आगे भी मैं अपने हित मित्रों और सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि अगर कहीं इस तरह की जानकारी मिले तो हमको किसी भी व्हाट्सएप के माध्यम से इस तरह की जानकारी दी जाए। हमको इस बात की जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से अनुराग जी हमको दिए, तो हमने व्हाट्सएप पर कहा कि ठीक है, हम विजयपुर में आकर वितरण करेंगे। साथ ही हमारे मित्र कृष्णा जी हैं, पत्रकार भी यहाँ के हैं, इन्होंने से भी हमने फ़ोन से आग्रह किया कि हमें विजयपुर में आकर कुछ लोगों को वितरण करना चाहते हैं, तो इन लोगों ने हर्ष व्यक्त किया तो हम आते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मैं रमेश कुमार, मुखिया पति श्यामतापुर और महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा सिवान। धन्यवाद सर। आप यहाँ का स्थानीय नागरिक हैं और यहाँ के एक वरीय पत्रकार हैं, आपके क्षेत्र यानी आपके गांव में आज मुखिया पति के द्वारा खास सामग्री का वितरण किया गया, आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ये बहुत ही नेक काम है और आज जहाँ पर वैश्विक महामारी है और इसमें जो लोग भी अपने तन मन धन से लगे हुए हैं, खासकर मैं मुखिया जी को देख रहा हूँ कि पूरे क्षेत्र में, ये नहीं कि ये इनका सेवतापुर पंचायत है वही नहीं, ये पूरे क्षेत्र में इनके लिए कोई सीमा नहीं है, ये सीमा से हटकर काम कर रहे हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें। कृष्ण कुमार, CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त परमानंद पब्लिक स्कूल में एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। आप हमारे चैनल पर आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, उस पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।